जय जयपुर के संस्कार स्कूल की छात्रा रेणुका चंद्रा ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं प्रदेश की मेरिट लिस्ट में तीसरा स्थान पाया। जय जयपुर के संस्कार स्कूल की छात्रा रेणुका चंद्रा पिता खेमचरण चंद्रा ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 95.80 के साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में तीसरा स्थान पाया है। वह IAS अधिकारी बनना चाहती है। उन्होंने कहा है कि उनके माता पिता भी चाहते हैं कि वह IAS बने। रेणुका अपनी सफलता के लिए अपने गुरुजनों को धन्यवाद देती है और कहती है कि उनके गाइडलाइंस के बिना उनकी यह सफलता संभव नहीं थी। रेणुका के पिता ओड़े के गांव में सरकारी शिक्षक है। दो बहनों में रेणुका बड़ी बहन है। उनकी छोटी बहन कक्षा 2 में अध्ययन कर रही है। आपको बता दें, छात्रा रेणुका चंद्रा ने 2 पहले 10वीं की मेरिट सूची में भी 7वीं रैंक हासिल की थी। इसकी तैयारी तो खुद से ही की थी घर में रह करके, क्योंकि कोरोना काल था तो लगभग बहुत पढ़ाई ऑनलाइन ही हुई है। 2-3 महीने के लिए हम स्कूल जा पाए थे, तो सेल्फ स्टडी सब कुछ है। अगर आप बहुत सारी ट्यूशंस लगा रहे हैं लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं तो इससे भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो आप उनसे भी पढ़ाई करके बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। रिजल्ट में प्रमुख भूमिका मेरे माता पिता की, मेरे स्कूल की, मेरे टीचर्स की और अभी जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसकी रही। जैसे कि मैं UPSC की परीक्षा क्लिक करके एक बहुत अच्छा सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ। मैं उनको यही सलाह देना चाहती हूँ कि वो निरंतर हार्डवर्क करते रहें, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, अपना एक टारगेट बना करके फोकस होकर पढ़ते रहें, सक्सेस जरूर मिलेगी।